वोट चढ़ेंगे पूरा। आप लोग बात कॉर्नर मत होइए साहब, सुने ना, ये हमारे बस्ती का मामला है पूरा। शांत से रहना, हमारे ये सोसाइटी क्या तुम सब क्या समझ रहे, क्या हमारे बस्ती क्या है सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी में नहीं चलेगा। सोसाइटी है ऐसा नहीं चलेगा। के लिए इतना बड़ा इश्यू होगा गाड़ी में। आप डिक्लेयर ये मत करो कि पागल है, पूरे दारू पीके नशे में था, प्लीज उसको लेके आके आप पनिशमेंट देना। हमारे को भरोसा रहती है, हमारा काम बहुत सारे सुबह से उनको पीने का नशा है, तो हमारे धर्म का नशा है, धर्म आखिर धर्म हम कानून को मर्यादा में रखते हैं, वो कर रहे हमारा काम साहब उसको सबसे सजा देना साहब उसको अभी करना है। आईना ये काम दूसरे को नहीं करे, दूसरा हमारे को अरेस्ट करने का रहे तो सुबह अरेस्ट करने थे आप लोग, गरम गरम आगे डर जाते। जल्द से जल्द उसको श्री राम। आज एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली में एक माता जी का मूर्ति स्थापना किया गया था कुछ हमारे हिंदू भाई लोगों की तरफ से। कल रात को 3 बजे के बाद कुछ लोग, कुछ विधर्मी आकर सीसीटीवी कैमरा तोड़कर और लाइट बंद कर एक साजिश के तौर पर माता की मूर्ति खंडित कर दी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों हमारे धर्म को टारगेट करके प्लानिंग से जैसा ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग लेकर काम करने का काम आज एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ है। आप सबको पता है लास्ट टाइम रक्षापुरम में भी इसी तरह का कार्य हुआ तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा क्या बोला गया, वो आदमी पागल था। एक आदमी पागल हो सकता, दो हो सकता, तीन तीन चार चार कैसा हो सकता, मैं पूछना चाह रहा हूँ। आज भी फिर यही बात, क्या वो आदमी ड्रगिस्ट है, वो गांजा पी के माता की मूर्ति तोड़ दिया। अरे भैया उन्होंने गांजा पी के नशा करता होगा, मगर हमारे पास जो हिंदू धर्म प्रेमी है वो सब माता और भक्ति के नशे में रहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा यही मानना है, हम पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड कर रहे हैं, आप लोग एक धर्म को लेकर, आप लोग एक मजहब को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर मत करिए साहब, इनको लाइए। अगर आप नहीं कर सकते अरेस्ट तो हमको बता दीजिए, इनसे निपटना हम सब हिंदू भाइयों को अच्छे से आता है और अच्छे से करके भी बताते और आज ही बताते। तो यही बोलना चाह रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको लाओ, अरेस्ट करो, जेल को भेजो। नहीं आप नहीं कर सकते तो 100% हमारे हाल पे छोड़ो, हम उसको अरेस्ट नहीं, उसको जो पनिशमेंट देना है हम पूरे मिलके देते, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जो सजा देना है हम दे। हमारे को पहले डिक्लेयर तो करो कौन है, कौन से मजहब का आदमी है, क्यों ऐसा आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सोसाइटी में भी जाके बात करें तो ये सोसाइटी हमारे बस्ती में है, हमारे एरिया में, हमारे जो भी तकलीफ है हम बात कर सकते हैं। आज पूरे बस्ती वालों को कितना तकलीफ होता तो भी सोसाइटी का सपोर्ट करते हैं। हमारे माता की मूर्ति खंडित करने के लिए आज सोसाइटी से भी बात किए तो वो लोग भी आश्वासन दिए। अगर सोसाइटी वाले इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम सोसाइटी में भी परेशान करेंगे, क्योंकि ये बस्ती में है सोसाइटी। यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज सबको दिल में दर्द है, दुख है, हमारी माता के नवमी के दिन इतना बड़ा कांड हुआ, आज खून के आंसू रो रहा है हमारा हर हिंदू भाई। अगर आप लोग इस पे एक्शन में नहीं आएंगे तो जिस दिन ऐसा करने वाला हमारे हाथ लग जाएगा चौरस्ते पे लाके उसको जिंदा चीर देंगे, बता दे रहा हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब आने वाले टाइम में नहीं करेंगे। हम सब हिंदू संगठन आकर आज हम सब लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, हमारे को भरोसा है डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट शाम तक हमारे को वादा करा अरेस्ट करके उसको जेल को भेजने का काम करेंगे, हमको भरोसा है। पूरे सब लोग आए इसके लिए,
हम सबको एक होकर काम करने की आवश्यकता है। तो यही कहना चाहता हूँ, अभी जब भी आपको कॉल आएगा अपने हिंदू संगठनों की तरफ से, सब लोग एक होकर अगर शाम तक अरेस्ट नहीं करें तो मोजमजा मार्केट पर बैठ के धरना देंगे। जय श्री राम।